नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बैंक खाते से लेकर रसोई गैस तक में आज से होंगे बड़े बदलाव। 1 दिसंबर यानी कि आज से बैंक से और रसोई गैस से संबंधित कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार आज से बैंकों में 24 घंटे RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की सुविधा मुहैया करवाने का निर्णय लिया गया है। अभी दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक RTGS में फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके साथ ही PNB ATM से नगद निकासी में बदलाव भी किया गया है। अब रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच वन टाइम पासवर्ड आधारित नगद निकासी की व्यवस्था होगी। वहीं कमर्शियल सिलेंडर 56 रुपए महंगा कर दिया गया है, जो कि आज से लागू हो गया है। फिलहाल घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत पहले वाली ही रहेगी, मगर कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही आज से सामान की ई वे बिल को जनरेट करने का नया नियम भी लागू हो गया है। इसके मुताबिक 2 या इससे अधिक बार तक GSTR 3B रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले कारोबारी 1 दिसंबर से ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। 31 दिसंबर तक कई ट्रेनों का हुआ विस्तार। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए साथ ही ट्रेनों में बढ़ रही भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत रेलवे ने अपनी तरफ से कई ट्रेनों के परिचालन को 31 दिसंबर तक करवाने का निर्णय ले लिया है। एक बार फिर से कुछ पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन बढ़ाते हुए 31 दिसंबर तक कराने का फैसला लिया गया है। इन सभी गाड़ियों में सभी को आरक्षित श्रेणी के रहने का आदेश जताया गया है। इसके साथ ही यात्रा करने वाले यात्रियों को COVID-19 के मानकों का पालन करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके बाद ट्रेन संख्या 05251 दरभंगा जलंधर सिटी साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी, 05531 सहरसा अमृतसर साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी, 05532 अमृतसर सहरसा साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी, 05529 सहरसा आनंद विहार टर्मिनस साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी, 05530 आनंद विहार टर्मिनस सहरसा साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी समेत कई ट्रेनों के परिचालन को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बीते दिन श्रीराम सेवा संघ के द्वारा देव दीपावली धार्मिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। श्रीराम सेवा संघ के द्वारा देव दीपावली धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन संध्या 5:45 पर शुरू किया गया था। हर साल की भांति इस बार भी यह आयोजन ईश्वरीय प्रारूप के साथ भक्ति भाव की वर्षा के बीच संपन्न किया गया। इस बार कोरोना के असर के कारण श्री राम सेवा संघ के सदस्यों द्वारा सैनिटाइजेशन और मास्क की आवश्यक व्यवस्था की गई। लोगों के बिना मास्क पहने अंदर प्रवेश वर्जित था। संघ के सदस्यों द्वारा लोगों के हाथों को सैनिटाइज से सुविधा और सुरक्षित किया जा रहा था। श्रीराम सेवा संघ के द्वारा देव दीपावली धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन संध्या 5:45 पर प्रारंभ किया गया। बिहार में अगले बजट की कवायद हुई शुरू। चुनाव समाप्त हो चुके हैं और नई सरकार ने कामकाज भी संभाल लिया है। सरकार का फोकस एक ओर जहां 7 निश्चय पार्ट 2 की योजनाओं पर है, वहीं दूसरी तरफ वित्त वर्ष 2021 और 22 के बजट को लेकर भी कवायद शुरू हो गई है। बजट का प्रारूप कैसा होगा और प्रदेश का योजना आकार कितना होगा, इसको लेकर मंथन शुरू हो चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक वित्त विभाग की तरफ से सभी विभागों से वित्तीय वर्ष 2020-21 के शेष बचे महीनों के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन की मांग की गई है। साथ ही साथ 2021-22 के लिए संभावित खर्च और आय के स्रोत की जानकारी भी तलब की गई है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे उदित नारायण और भावना कंठ की। उदित नारायण का जन्म आज ही के दिन बिहार के सुपौल जिले में हुआ था। उदित नारायण एक भारतीय पार्श्व गायक है, जिनके गीत संगीत मुख्य रूप से हिंदी भाषा की बॉलीवुड फिल्मों में दिखाए गए हैं। उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ओडिया, नेपाली, भोजपुरी, बंगाली सहित कई अन्य भाषाओं में भी गाया है। उन्होंने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार में 20 अन्य लोगों के साथ नामांकित है। वहीं भावना कंठ का जन्म भी बिहार के बरौनी में हुआ था। भावना कंठ बिहार की पहली महिला फाइटर पायलटों में से एक है। वो अपने 2 साथियों मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ पहली लड़ाकू फ्लाइट के रूप में घोषित की गई थी। बिहार में उत्पल सिंह को बनाया गया लोकसभा का महासचिव। बिहार में उत्पल सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में उत्पल सिंह को लोकसभा का महासचिव बना दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को उन्हें महासचिव नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। उत्पल कुमार सिंह को देश के सर्वोच्च अधिकारी यानी कैबिनेट सचिव के बराबर का दर्जा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उत्पल कुमार सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी है। वे मूल रूप से बिहार के जमुई के रहने वाले हैं, हालांकि वे उत्तराखंड कैडर के IAS अधिकारी है। वे 1 दिसंबर 2020 से कैबिनेट सचिव के रैंक के लोकसभा सचिवालय और महासचिव के पदों को संभालेंगे। वाहन चेकिंग मुहिम में बिहार में 133 गाड़ियां जब्त। ट्रैफिक नियमों का सुचारू ढंग से पालन करवाने के लिए बिहार में वाहन चेकिंग मुहिम की एक बार फिर से शुरुआत करवाई गई थी, जिसमें अभी भी कई लापरवाह लोगों के मिलने की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी क्रम में बिहार में बीते दिन कुल 159 वाहनों से जुर्माना वसूला गया है और 133 गाड़ियों को जब्त किया गया है। ओवरलोडिंग करने वाले 40 वाहनों की परमिट रद्द
करने की अनुशंसा भी की गई है। ओवरलोडिंग और अन्य तरह के मामलों में आज भी कुल 45 लाख का जुर्माना वसूला गया है। इसकी पूरी जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि बालू लदे और अन्य ओवरलोडिंग 884 वाहनों की जांच में 159 वाहनों पर जुर्माना और 133 वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। वहीं ओवरलोडिंग 44 वाहनों को परमिट रद्द करने की अनुशंसा संबंधित जांच पदाधिकारी द्वारा की गई है। किसान कानून के लिए हो रहे विरोध पर सुशील मोदी ने दी प्रतिक्रिया। वर्तमान समय में देश भर के कई हिस्सों में किसान अपनी मांग को लेकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। वहीं किसान कानून को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके सुशील कुमार मोदी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में जो लोग अपने शासनकाल के दौरान किसानों की फसलें लूटते रहे वो आज किसान कानून का विरोध कर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि इससे हास्यपद स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती है। बिहार में किसानों की फसल लूटने वाले आज किसानों के हक की बात कर रहे हैं। सुशील मोदी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे यह भी कहा कि जिन वामपंथी दलों ने गांव को लालटेन युग में रखने वाली लालू राबड़ी सरकार का समर्थन किया और किसानों की फसलें लूट ली गई, वे कृषि बिल का विरोध कर किसानों के हितैषी बनने का कोशिश कर रहे हैं। बिहार के हर गाँव में बिजली पहुंचाने में सरकार सफल रही, इसीलिए महंगे डीजल पंप से सिंचाई की मजबूरी अब खत्म हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने वैक्सीन को लेकर दिया आश्वासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले ही कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर अपना बयान जारी करते हुए साफ तौर पर कहा था कि केंद्र सरकार वैक्सीन मुहैया करवाने में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, साथ ही सभी राज्य सरकार की मदद करने की भी पूरी कोशिश कर रही है। इसी बीच इस मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार प्रत्येक देशवासियों को बिना किसी परेशानी के कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो सके इसके लिए संकल्पित है। इसे ध्यान में रखकर विभिन्न पहलुओं पर काम किया जा रहा है। बैठकों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री जी खुद सभी बिंदुओं पर समीक्षा कर रहे हैं। आरएसएस की बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत जीत के बाद पहली बार आएंगे पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम के आने के बाद एनडीए को बड़ी जीत मिली है। इसके साथ ही आरएसएस विचारधारा वाली भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरी है। इन्हीं सब बातों के बीच बिहार में आरएसएस की बड़ी बैठक आयोजन करवाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें शामिल होने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी एनडीए को मिली जीत के बाद पटना आने वाले हैं। संघ के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पटना में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में बुलाई गई है और इसी बैठक में संघ प्रमुख भी शामिल होंगे। पटना में संघ की बैठक 5 और 6 दिसंबर को आयोजित होगी, जिसमें बिहार और झारखंड के पदाधिकारियों के साथ संघ प्रमुख चर्चा करेंगे। हालांकि आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बैठक को अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित नहीं किया गया था और संघ ने यह निर्णय लिया था कि सभी क्षेत्रों में अलग अलग अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। बिहार में इससे बड़ी जीत के लिए भाजपा करेगी अपने हार की भी समीक्षा। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2015 से ज्यादा अच्छा काम करते हुए सत्ता हासिल किया है, लेकिन यह जीत भाजपा के संगठन के लोगों को रास नहीं आ रही है। पार्टी बिहार में सत्ता वापसी से खुश तो है, लेकिन वो और बेहतर परिणाम की उम्मीद कर रही है। बिहार में चुनाव के दौरान भाजपा जिन सीटों पर कड़े मुकाबले पर हार गई, उन सीटों पर हार का कारण तलाशने की कवायद शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, पार्टी और संगठन को पहले से और ज्यादा धारदार बनाने के लिए अब नए सिरे से ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। बिहार चुनाव नतीजों की समीक्षा और संगठन को और बेहतर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव एक बार फिर से नए सिरे से कमर कसते नजर आएंगे। 2 दिसंबर को ये दोनों बड़े नेता पटना पहुंचने वाले और इनके पटना पहुंचते ही पार्टी के प्रदेश स्तर के तमाम जनप्रतिनिधियों की कई बैठक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को बुद्धि का इस्तेमाल करने की दी नसीहत। बिहार में राजनीति लगातार जारी है। इसी क्रम में जदयू नेता नीरज कुमार ने हाल ही में तेजस्वी यादव का बुद्धि के इस्तेमाल करने की नसीहत दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पर दिए गए प्रतिक्रियाओं के बाद फिर एक बार पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने निशाना साधा है, जिसके तहत तेजस्वी को अपना बौद्धिक विकास करने की नसीहत दी है। हमारी सरकार को महाजंगल राज कहने से पहले खुद ये जान ले कि उनके माता पिता के राज को स्वयं न्यायालय ने जंगल राज कहा था, उन्हें अपराध पर बोलने का कोई हक नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने बौद्धिक विकास कर ले, जब अपने माता पिता की सरकार थी तब कोर्ट ने ही तत्कालीन राज को जंगल राज कहा था। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने 7 कार्यकारी जिलाध्यक्षों का मनोनयन किया रद्द। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बीते दिन पार्टी के 7 कार्यकारी जिलाध्यक्षों का मनोनयन तत्काल प्रभाव रद्द कर दिया है। सभी 7 अधिकारियों को उनके पहले के पदों पर ही बने रहने का निर्देश दिया गया है। इन सभी पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकारी जिलाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया था। पार्टी के अनुसार सारण जिले के कार्यकारी अध्यक्ष जयप्रकाश यादव, दरभंगा के अजीत चौधरी, समस्तीपुर के दुर्गेश रॉय, सुपौल के राजेंद्र प्रसाद राव, जमुई के ई शंभू शरण,
चरण रोहतास के अरुणा देवी और पटना ग्रामीण के अशोक कुमार सिंह कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। एस बद्रीनाथ ने भारत के टॉप ऑर्डर में सचिन सहवाग और गांगुली जैसे खिलाड़ियों की कमी की कही बात। वर्तमान समय में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर है, जहां पर खेले गए दोनों मैचों में टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं टीम की स्थिति को देखते हुए टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर एस बद्रीनाथ का मानना है कि टीम इंडिया को टॉप ऑर्डर में वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली जैसे बल्लेबाजों की कमी खल रही है। टॉप के पांच या छह बल्लेबाजों में से कोई भी अब गेंदबाजी नहीं कर रहा है। अगर आप पहले के भारतीय टीम को याद करें तो वहां सहवाग और सचिन गेंदबाजी करते थे, यहां तक कि गांगुली भी गेंदबाजी में हाथ आजमा लेते थे। वहीं टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर हिंदी कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में लगातार दो मैच में मिली हार के बाद कहा कि टीम को अपनी खराब गेंदबाजी के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है। गौहर खान और जैद दरबार क्रिसमस के दिन एक दूसरे से करेंगे शादी। कई दिनों से जैद दरबार और गौहर खान की शादी की चर्चा लगातार सुनने में आ रही है। खबरों की माने तो यह दोनों शादी के बंधन में 25 दिसंबर को बंधने वाले हैं, जिसकी घोषणा गौहर खान ने खुद की है। शादी की डेट की अनाउंसमेंट करते हुए गौहर ने लिखा है, साल 2020 भले ही साधारण रहा, लेकिन हमारी लव स्टोरी साधारण नहीं है। हमें यह अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं और जैद शादी कर रहे हैं। अभी जो सिचुएशन है उसे देखते हुए हम अपने इस बड़े दिन को अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे। हम आशा करते हैं कि सभी को उनका हमसफर मिले और हर दिल को उसके धड़कने की वजह मिले। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारतीय टीम का संचालन करने में विराट कोहली सफल साबित हो पा रहे हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।